hello everyone a very good morning to all of you i welcome you once again to another session of rbi 247 and today we will be talking about climate risk and sustainable finance sochoge finance ki current affairs me why are we talking about climate risk then yes of course we will be talking about it because as we all know climate is such a concern that is of utmost importance be it in any sector अगर आप एनर्जी सेक्टर में देखते हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखते हो क्लाइमेट रिस्क पॉजिज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन दी एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज एज यू रिमेंबर अगर आपको याद होगा देन इन दी मोनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी अ डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस रिसेंटली आर बी आई हैज रिलीज द डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट एज आई ऑलवेज मैंशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द लाइव क्लासेज फॉर आर 2023 आई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेबी एंड अबार्ड एज वेल्थ अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है देन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड एन रोल फॉर द सेम अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज द आर ऐप नॉन एज डॉट इन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ये एक आप आपको ये सारे फीचर्स की हेल्प प्रोवाइड करेगी सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द आरबीआई दैट हैज रिसेंटली रिलीज्ड द डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस एंड सेकेंडली हम थोड़ा बहुत बात करेंगे अबाउट द रिसेंट हाइक दैट द फेड हैज मेड ऑन दिन द फेडरल फंड रेट दैट इज द पॉलिसी रेट ऑफ यू और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस सो दिस इज द वन दैट आई दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट बोलती क्या है अब क्लाइमेट रिस्क को हम पढ़ क्यों रहे हैं फर्स्ट थिंग तो आपको पता होगा कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आपने यह भी सुना होगा कि कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टॉक अबाउट मेंटेनिंग आर इन्वायरमेंट राइट सेफ गार्डिंग आर आवर इन्वायरमेंट सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर आस द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल अगर आज की डेट में ही हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे एंड वी आर सींगस्ट्रीम वेदर इवेंट सच एस आपने देखा होगा अभी भी गर्मियों के टाइम पर हीट वेवस की कितनी प्रॉब्लम आ रही थी कितने लोगों की जाने गई हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेवस राइट उसके अलावा दे आर केसेज ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज देर आर रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आर बी आई हैज रिसेंटली कम अप कि हम कैसे क्लाइमेट रिस्क को अपने बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट द एंटायर फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द क्लाइमेट रिस्क कुड बी मिनिमाइज और हम उसको एक सस्टेनेबल फाइनेंस की तरफ लेकर जा सकें ठीक है तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड स्टडीज की सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज रिजल्टेड इन अ 1.1 डिग्री वार्मिंग ऑफ द अर्थ प्री पोस्ट द प्री इंडस्ट्रियल लेवल तो जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं थे तब के लेवल से और आज के डेट में हम देखें तो हमने बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग जो हम एज अ जब हम डेवलपमेंट करते हैं सी हैज़ अ कॉस्ट जब भी आप डेवलपमेंट करते हो कॉस्ट इंक्रीज होती है राइट सो वी हैव रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन नॉट दिस पल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड इट हैज़ लेड टू एन इंक्रीज ऑफ वन पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो इन दी टेम्परेचर जो टेम्परेचर है जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रही है उसके अलावा आपने देखा होगा कि हीट वेव्स की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी एक्सट्रीम विंटर्स एक्सट्रीम समर्स की प्रॉब्लम्स है राइट उसके अलावा एक और स्टडी कराई गई थी जिसमें उन्होंने इन्वामेंटल कंसर्न दैट इज क्लाइमेट रिस्क को जी डी पी से कंपेयर किया था और उन्होंने ये बताया था द स्टडी फाइनली कंक्लूडेड दैट बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज ऑफ वन पॉइंट फाइव डिग्री डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर इट विल रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन द ग्लोबल जी डी पी बाय दर ट्वेंटी वन हंड्रेड तो बिकॉज अब हम वन पॉइंट वन डिग्री ऑलरेडी कर चुके हैं अगर हम वन पॉइंट फाइव डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द्यूमन ह्यूमन डिस्ट्रक्शन देन आर ग्लोबल जी डी पी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया और यू एस और दी चाइना दी एंटायर ग्लोबल जी डी पी इट विल रिड्यूज बाई एट टू थर्टीन परसेंट एंड दिस इज अज नंबर इसीलिए कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर मूविंग टवर्ड्स ग्रीन फाइनेंसिंग आपने वर्ड सुना होगा ग्रीन फाइनेंसिंग सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टॉकिंग अबाउट ई एस जी फ्रेमवर्क राइट इन सब की बात की जा रही है एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट रिस्क दी हैव फाउंड बेस्ड ऑन दीज स्टडीज देज बीन एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम इकोसिस्टम पे तो है ही पर्सन और ये रिजल्ट करता है प्रोडक्टिविटी लॉस में एंड बिकॉज ऑफ लॉस इन द प्रोडक्टिविटी वी विल सी अश्रिंक इन द ग्लोबल जी डी पी

Economic cost as well as the financial losses that is happening because of extreme weather events such as flooding, drought, or extreme rainfall, increase in greenhouse gases, right? emission of global warming, uh, emission of greenhouse gases, apart from that, increase in heat waves, which was in India is during the summer seasons. तो ऑल ऑफ दिज आर पोज़ेसिंग आर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक इकोनॉमिकल एज फाइनेंशियल लॉसेस इन सब के वजह से फाइनेंशियल लॉसेस कैसे हो रहे हैं लोगों की जान जा रही है सेकेंड थिंग लोग बीमार पड़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी पीपल आर नॉट कम टू वर्क और जब इंसान काम नहीं करता अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी देखोगे डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन योर इनकम सेकेंडली आप बीमार पड़ रहे हो यू हैव हेल्थ कंसर्न्स इंक्रीज इन हेल्थ कंसर्न्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ योर इनकम दैट मीन्स डिक्रीज इन द डिपॉजिट्स दैट यू मेक टू द बैंक्स एंड दिस विल रिजल्ट दिस विल रिजल्ट ऑन एन इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर अब हम बात करते हैं ये जो क्लाइमेट रिस्क है ना दीज आर ऑफ टू टाइप्स एक तो ये हो गया कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के वजह से हो रहा है उसको हम बोलते हैं फिजिकल रिस्क फिजिकल रिस्क बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं सेकेंड होता है ट्रांजिशन रिस्क वॉट इज ट्रांजिशन रिस्क इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर क्लाइमेट रिस्क का इम्पैक्ट हम बैंकिंग सेक्टर पे देख रहे हैं तो उसका ट्रांजिशन रिस्क क्या होगा ट्रांजिशन एज द नेम सजेस्ट आप एक चीज़ से दूसरी चीज के ऊपर जब मूव करते हो तो वो जो टाइम पीरियड द टाइम पीरियड दैट इज बिंग टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज नॉन एज द ट्रांजिशन पीरियड ये ट्रांजिशन रिस्क क्या है जब आप अभी जो सिटेशन है राइट right, द

अगर आप चाह रहे हो कि द पेपर कंजम्पशन इन द बैंकिंग सेक्टर इज़ टू मच इसको कम करते हैं जब हम ए टी एम विजिट करते हैं तो वहाँ पर वी गेट दिस रिसीट्स राइट रिसीट्स मिलती है आपने इतने पैसे निकाले या दिस इज योर बैंकिंग स्टेटमेंट फॉर लास्ट फाइव तो उसके लिए हमको ये रिसीट मिलती है नाउ यू वॉन्ट टू डिक्रीज दिस पेपर तो उसके लिए यू नीड टू कम अप अपटन टेक्नोलॉजी है ना उसके अलावा आप अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे दे वे यूजिंग मोर ऑफ द रिसोर्स अब आप चाह रहे हो कि मैं कुछ सस्टेनेबल रिसोर्स यूज करूँ क्लीन एनर्जी यूज करूँ तो उसके उसके केस में भी कॉस्ट इंक्रीज होगा सो ऑल ऑफ दीज़ कॉस्ट दैट रिजल्ट वैन यू मूव फ्रॉम अ पॉइंट टू दी अदर पॉइंट इज नॉन एज ट्रांजिशन रिलेटेड रिस्क अब इसको डिटेल में समझते हैं फिजिकल रिस्क में क्या आता है क्लाइमेटिक कंसर्न्स के फिजिकल रिस्क क्या है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ द एक्सट्रीम क्लाइमेट रिलेटेड वेदर इवेंट्स सच एज़ हीट वेव्स इंक्रीज इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ क्लाइमेट लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल शिफ्ट क्या हो सकते हैं सपोज करो कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर हीट वेव्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं राइट right? or increase in the sea level because of melting of the glacier all of these risks are known as long-term gradual shifts of climate because of the long-term impact of the climatic risk it has resulted in an increase in the sea level third is the indirect effect of climate change what is the indirect effect of climate change apne deka hoga though our earth is covered 97 or 98 percent वॉटर बट स्टिल वॉटर की शॉर्टेज देखी जाती है राइट देर इज वॉटर शॉर्टेज सेकेंडली क्वालिटी सॉइल क्वालिटी राइट इश्यूज कम्स अंडर द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फिजिकल रिस्क में ये तीन चीजें आ जाएंगी इससे क्या रिस्क है रिस्क तो so सपोज करो कोई कस्टमर है हाउ इट इज रिलेटेड टू बैंक्स फर्स्ट थिंग सी कॉस्ट इज इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन अब हर जगह एक जैसे का क्लाइमेट नहीं होता दे आर सर्टन स्टेट्स और सर्टन एरिया दैट इज स्टिल ग्रीनर फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज वहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं है बिकॉज डेवलपमेंट हैज बिन नॉट डन टू दैट एक्सटेंट हाई वी वी टॉक अबाउट द मेट्रोपोलिटन सिटीज सच इज़ डेली मुंबई वहाँ पे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम डेवलपमेंट वी सी एन एक्सट्रीम इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स तो यहाँ पे जो फिजिकल uh, रिस्क होगी क्लाइमेट की वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे रिलेटिवली कम होगी ठीक है तो जो भी फिजिकल रिस्क होगा इट विल डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन अगर कोई कस्टमर है महाराष्ट्र का राइट ही ही इज़ टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक अब उसने लोन ली है सपोज करो उसने लोन के बदले जो कोलेटरल रखा था उसने अपना uh, एरिया रख सपोज उसने अपनी फील्ड रखी थी जो उसके पास लैंड फील्ड अवेलेबल था उसने उसको एज अ कोलेट्रोल रखा सपोज करो ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है या दे आर एक्सट्रीम फ्लड्स द एंटायर एरिया इज वेस्टेड राइट तो आपका जो सपोज एंड नाउ ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे योर लोन सो दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एन पी ए फॉर द बैंक्स राइट सो दिस इज हाउ Environment is also related to banks and because of increasing NPA it will impact on your financial soundness. आपकी जो stability है उसपे question आ जाएगी, right? You will not be able to make payments to the depositors. अगर एक example लिया है हमने, अगर suppose करो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो महाराष्ट्र में bank run की situation आ जाएगी, right? Secondly, if we talk about दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर एंड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस उसके उसको कोई इननेस हो जाती है एंड ही इज नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन हिज वर्क जिसके कारण उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है उस जहाँ पे वो काम कर रहा है सेकेंडली इंक्रीज इन ऑपरेशनल कॉस्ट

तो ये बात की जा रही है हमारे फिजिकल रिस्क में सेकेंड इज द ट्रांजेशन रिस्क वाट इज दिस ट्रांजिशन रिस्क सो ट्रांजिशन रिस्क इज द रिस्क दैट अराइजेज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू अ लो कार्बन इकोनॉमी जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट ए है आज की डेट में जिस इकोनॉमी हम खड़े हैं नाउ वी वॉन्ट टू मूव टू पॉइंट बी वेर वी वॉन्ट टू हैव अ लो कार्बन एमेटिंग इकोनॉमी इसके बीच में वॉट एवर चेंजेस यू विल मेक दिस विल इंकर सर्टन कॉस्ट नाउ दिस इज नॉन एज ट्रांजीशन रिस्क अब ये तीन तरीके के होते हैं फर्स्ट इज क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज आप कुछ क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज लाओगे जिसके कारण यू विल इंकर कॉस्ट एंड दिस विल रिजल्ट इन ट्रांजीशन रिस्क जैसे डिक्रीज इन फाइनेंशियल वैल्युशन आपके कुछ एसेट्स थे अब नाउ सपोज करो आपने ग्रीनर इकोनोमी की तरफ जाने के लिए यू केम अप विथ इन्वेस्टिंग इन सर्टन एसेट्स जहाँ पे सपोज दोज हु आर फोकसिंग ऑन ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स ठीक है आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी बट इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में इट्स वेरी लेस बिकॉज द प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजिशन रिस्क क्लाइमेट रिस्क को प्राइस में नहीं दिखाया जा रहा जिसके कारण द फाइनेंशियल वैल्यूएशन इज वेरी लेस ना दिस विल रिजल्ट इन क्लाइमेट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज योर फाइनेंशियल वैल्यूशन इज वेरी लेस सेकेंडली आप सब्सिडीज प्रोवाइड करते हो इन ऑर्डर टू एंकरेज द इन्वेस्टर्स और द लोन टेकरस टू इन्वेस्ट इन ग्रीनर प्रोजेक्ट्स आप कहते हैं उनको कि एमिटिंग uh, जो पॉल्यूशन एमिटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्ट ना करके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनोमीज या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें so are providing certain subsidies so this will increase your cost second is newer technology newer technology mein kya hota hai there is the concept of stranded assets what is the stranded assets ab stranded assets ki concept ko samajh lete hain maan lo koi bank hai right uske paas कोई data center है जहाँ पे it stores its data. जितने भी bank related data हैं वो यहाँ पे store किए जा रहे हैं Now this data center is run through a uh, diesel, or say petrol. Now you want to move towards a greener greener economy or a low carbon emitting economy, and now you want to replace this diesel or petrol through some other clean energy Okay. तो राइट अब इस केस में क्या होगा यू विल इंकर्सन कॉस्ट एंड वॉट अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट यू हैलरेडी मेड और अब आपको नया बनाना पड़ रहा है बिकॉज यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू समी इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब होता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी और सपोज करो इसकी लाइफ थी फिफ्टीन ईयर्स बट आपने सोचा कि मुझे ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करनी है फिफ्थ ईयर में ही तो फिफ्थ ईयर में आपके लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किसी काम की नहीं रहेगी सो द कॉस्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमको यहाँ से मिल सकती थी वो अब आपको नहीं मिलेगी बिकॉज यू हैव शिफ्टेड टू सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दिस इज नॉन ए स्टैंडर्ड एसेट्स वेर यू हैव मेड द इन्वेस्टमेंट पर आपने उसकी पूरी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ली बीच में ही आपको उसको छोड़ना पड़ा एंड दर यू इंकर सर्टन लॉसेस आपने देखा होगा जब भी कोई एसेट हम खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्लांट मशीनरी में सो वी डू डेप्रिसिएशन उसकी लाइफ देख लेते हैं अच्छा दस साल चलेगी तो दस साल तक उसकी डेप्रिसिएशन कर रहे हैं हमने इसको बस पाँच साल यूज़ किया उसके बाद वी आर डिस्कार्डिंग दी एंटायर एसेट्स तो यहाँ पे आपका लॉस है दिस इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड एसेट्स ठीक है तो न्यूअर टेक्नोलॉजी जब आप लाओगे इन ऑर्डर टू मूव टू दिस लो कार्बन इकोनॉमी दिस विल रिजल्ट इन दी इंक्रीज इन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द इज बेस्ड ऑन ओल्डर टेक्नोलॉजी तो जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी एसेट्स बेस्ड होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी थर्ड विल टॉक अबाउट शिफ्टिंग सेंटिमेंट्स अब कस्टमर्स हैं उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा बी द कस्टमर्स और दी इन्वेस्टर्स टू शिफ्ट टू ग्रीनर बॉन्ड्स अब आप इनको ये बोल रहे हो कि आप ग्रीन कुछ ऐसा करो सो दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी ग्रीन इकोनॉमी सो यू यू वॉन्ट टू चैनलाइज देयर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट टू ग्रीनर साइड अब इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं या तो आप कस्टमर लूज कर जाओगे वो बोलेगा नहीं भाई मैं ग्रीनर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाऊंगा वहाँ पे मुझे जो रिटर्न है वो काफ़ी लो मिलेगी काफ़ी लो मिलेगी राइट right? कोई प्रोजेक्ट्स हैं अब उसमें आप फाइनेंस नहीं करना चाहते वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज द रिटर्न दैट यू विल अर्न इनिशियली फ्रॉम द ग्रीन प्रोजेक्ट्स विल बी लोअर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल एसेट्स सेकेंडली इट ऑल्सो रिजल्ट इन ऑपरेशनल रिस्क वॉट इज ऑपरेशनल रिस्क इट इज द लाइबिलिटी रिस्क लाइबिलिटी रिस्क कैसे बढ़ेगी ये ऐसे सपोज करो आपने आ, इनके जो भी मनी था या इन्वेस्टमेंट्स था आपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया नाउ द पर्सन ही इज नॉट हैपी विदेस्टमेंट बिकॉज उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है सो so ही आपने मेरा पैसा लगाया है ना यू है लॉसेज दट आई दिसन रिस्क ठीक है तो ये हो गया ट्रांजेक्शन रिस्क की बात अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बैंक पे तो उस रिपोर्ट उस डिस्कशन पेपर में जो रिस्क है इम्पैक्ट पड़ेगा वो बैंक पे देव कैटेगराइज इन टू दिस फोर कैटेगरीज जहाँ पे उन्होंने बोला कि या तो बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क हो सकती है मार्केट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क क्रेडिट रिस्क कैसे होगी सेम अगर सपोज करो किसी रीजन में कोई क्लाइमेटिक क्लाइमेटिकज़ार्ट uh, हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ द हेजार्ट दर्सन की जो को था जो उसने डिपॉजिट किया था उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नील हो जाती है देन दिस विल इम्पैक्ट क्रेडिट क्रेडिबिलिटी ऑफ द कस्टमर एंड दिस विल रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क फॉर द बैंक सिमिलरली सपोज करो कस्टमर की ऑपरेशन और प्रोफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है या ख़त्म हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेटिक कंसर्न जिस जहाँ पर उसकी जो कंपनी थी वो गिर गई तो उस केस में भी आपका ये आपको लोन नहीं देगा लोन का पैसा वापस नहीं करेगा एंड देन यू विल द बैंक विल फेस क्रेडिट रिस्क सेकेंड इज़ द मार्केट रिस्क मार्केट रिस्क कैसे होगा सपोज़ आपने ग्रीनर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने की बात करी सपोज़ वहाँ पे कुछ वोलाटाइलिटी आ जाती है तो इंक्रीज़ इन वोलाटाइलिटी विल रिजल्ट इन मार्केट रिस्क जो पोटेंशियल इम्पैक्ट बता रहे हैं ठीक है सेकेंड इज इन डिक्लाइन इन दी एसेट वैल्यूएशन जो आपकी ओल्डर टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट्स थे उसमें डिक्लाइन हो सकती है या फिर आपने जो न्यूअर एसेट्स खरीदे हैं इन कंपेरिजन टू दी कन्वेंशनल एसेट्स दैट यू आर हैविंग इट विल हैवे लोअर वैल्यू राइट क्योंकि ज़्यादा इसकी Uh, चर्चा नहीं है जिसकी वजह से दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ मार्केट रिस्क फॉर द बैंक्स एंड ऑल ऑफ दिस रिस्क विल पोजेज थ्रेट ऑन द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बैंक ठीक है तो ये रिस्क हैं अगर आप क्लाइमेट क्लाइमेटिक uh, अगर आप ग्रीनर एनर्जी या ग्रीनर इकॉनोमी की तरफ मूव करने की बात करते हो थर्ड इज द लिक्विडिटी रिस्क सपोज दे आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड पीपल आर ड्राॅइंग डाउन देयर डिपोजिट सो यू विल हैव लो Uh, deposits and when you have low deposits, you will have low of liquidity and you need to borrow from some other banks or the central bank and finally is the operational risk and this will have an impact on the banking infrastructure based on the newer technology that you will uh, have and second on the stakeholders claim Agar stakeholder bolte hai, nahin, conventional mein karna hai. we are facing certain आर द रिटर्न दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्रीनर इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी लो तो आप हमें कंपनसेट करोगे बिकॉज यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ मूविंग टूवर्ड्स द ग्रीनर इकॉनॉमी ठीक है तो ये सारे रिस्क हैं जो बैंक्स के uh, बैंक्स के लिए uh, रिस्क, रिस्की हो सकते हैं इफ दे मूव टू द ग्रीनर इकॉनॉमी तो वॉट इज द वे फॉरवर्ड सो वेनवी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीनर इकोनॉमी and we are trying to mitigate the climatic risk. so the first and foremost is the critical role of the board of director. now the board of directors should come up with proper strategic plan so that it is being first you need to assess kya, -kya risk your banks face kar sakte hai. secondly, how you are going to uh, mitigate the risk arising because of the climatic concerns. and third, what

और इफ नॉट देन यू नीड टू एक्सप्लेन वाई यू आर नॉट एबल टू अचीव इट ठीक है एंड थर्डली सेटिंग अप ऑफ ग्रीन ब्रांचेस एंड ग्रीन डेटा सेंटर्स वॉट इज दिस ग्रीन ब्रांचेज इन ग्रीन डेटा सेंटर्स सो ग्रीन ब्रांचेज सच एज रिड्यूसिंग पेपर एंडली फ्रॉम द बैंकिंग सेगमेंट बाय एनकरेजिंग द यूज ऑफ ई रिसर्च सपोज आप ए टी एम में जाते हो वहां पर आपने पेपर रिसीट नहीं लिया आपके फ़ोन पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे आपको रिसीट आ गई सो दिस इज़ नॉन एज हैविंग ग्रीन ब्रांचेज सो आपकी जितने भी बैंक्स हैं बी डिपॉजिट्स और विड्रोवल फॉर्म सबको आपने पेपरलेस कर दिया सेकेंड इज हैविंग ग्रीन डेटा सेंटर्स दैट इज द टेक्नोलॉजी और द फ्यूल दैट इज़ यूज फॉर रनिंग दिस डेटा सेंटर्स शुड हैव क्लीनर फ्यूल राइट right, उसको यूज करके आप एक ग्रीन डेटा सेंटर बना सकते हो सो दैट वी आर एबल एंड वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू मिटिगेट दी क्लाइमेट रिस्क नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड न्यूज दैट इज फेड हाइक एंड रिसेशन वरीज यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ फर्स्ट द फेड हैज इंक्रीज इट्स पॉलिसी रेट बाय सेवेंटी बेसिस पॉइंट और अब जो उसने रेंज प्रोवाइड किया है फॉर द फेडरल फंड रेट तो व्हाट इज दिस फेडरल फंड रेट सो इट इज़ द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स इन द यूएस लेंड टू इच अदर सपोज बैंक ए है और so बैंक बी है सपोज इसको ओवरनाइट कुछ लेंड कुछ बोरो करना है तो ये बोरो कर सकता है एट दिस फेडरल फंड रेट और ये रेट वहाँ का यूएस यूएस फेड रिजर्व डिटर्माइन करता है ठीक है तो इन्होंने इस रेंज को टू से uh, परसेंट तक कर दिया है इनिशियली इट वॉज अरासेंट जीरो इंक्रीज हो जाएंगी ऑन बोरोल ऑन डिपॉजिट रेट्स ठीक है और ये, ये हो गया बिकॉज द फेड हाइक सेकेंड विल टॉक अबाउट रिसेशन इस आर्टिकल में ये भी बात किया गया है दैट वट इज रिसशन तो रिसेशन को जो सिम्प्लीफाइड वे में अगर टेक्निकल टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो ये बोला जाता है इफ़ यू और जी डी पी अगर आपकी जी टी पी है किसी कंट्री की जी टी पी श्रिंक हो रही है अगर जी टी पी आपकी सपोज इतनी थी अगर वो कम हो रही है और कम होती जा रही है टू क्वार्टर्स के लिए थ्री मंथ्स का एक क्वार्टर होता है अगर टू क्वार्टर्स के लिए आपकी जी टी पी श्रिंक होती है दैट मीन्स यू आर इन अ रिसेशनरी फेज अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यूएस की इकोनॉमी फॉर द सेकेंड टाइम क्वार्टर वन में भी श्रिंक हुई थी क्वार्टर टू में भी श्रिंक हो रही है अभी पॉइंट नाइन परसेंट से श्रिंक हुई है एंड इन क्वार्टर वन कुछ वन पॉइंट सिक्स परसेंट से श्रिंक हुई थी तो सिंस इट हैज श्रिंक्ड फॉर द कन्जिक्यूटिव टू क्वार्टर दैट मीन्स द यू एस इज इन रिसेशन पर ऐसा नहीं है वाई बिकॉज देर इज अ कॉन्ट्राडिक्ट्री व्यू कॉन्ट्रोडिक्ट्री व्यू ये है कि आप बस जी डी पी को देख के रिसेसन को डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप बात करो जी डी पी कब uh, कब कॉन्ट्रैक्ट करती है जी डी पी कब डिक्रीज करती है जब डिमांड नहीं है प्रोडक्शन नहीं हो रही राइट right? और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है बिकॉज पीपल डो नॉट हैव जॉब पीपल डो नॉट हैव मनी बिकॉज दे डो नॉट हैव जॉब टू स्पेंड राइट एंड देव बाई दे आर नॉट एबल टू डिमांड बट ये सिनारियों यू एस में एप्लीकेबल नहीं है वाइट इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इन यू एस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन डिक्रीजिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी यू एस में प्रेवलेंट है इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट और आपका जो जी टी पी है वो डिक्लाइन हो रहा है बट आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है सो so, इसलिए ये बोला गया है कि आप रिसेशन को बस जी से नहीं देख सकते देर इज देर आर अदर इंडिकेटर्स एज वेल तो जब तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती नहीं है यू के नॉट से दैट योर इकोनॉमी इज रिसीडिंग सेकेंडली इन फैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है यू एस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट हैज़ क्रिएटेड अराउंड टू पॉइंट सेवन मिलियन जॉब्स तो आपने यू एस में टू पॉइंट सेवन मिलियन जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं हुए हैं सो द कॉन्ट्राडिक्ट्री सिटुएशन फॉर यू एस इज उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है इट हैज़ बिन इंक्रीजिंग बाई अराउंड नाइन परसेंट ठीक है और उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है इट हैज़ बिन डिक्रीजिंग ये इनका फोर्टी ईयर्स हाई है फोर्टी ईयर्स हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फिफ्टी ईयर्स लो तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्री सिटुएशन अभी यू एस में प्रेवलेंट है सेकेंड इज वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन यू जो हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है वॉट इज़ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है और जो इंडिया में इंटरेस्ट रेट है उसके डिफरेंशियल को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ठीक है तो ये नैरो हो जाएगा सपोज ये uh, अभी कितना है सपोज मान लो सेवन परसेंट है एंड दिस इज नाइन परसेंट अगर ये इंक्रीज होके इलेवन परसेंट हो जाता है राइट right? तो यहां पे डिफरेंस कितना था टू परसेंट का ठीक है और यहां पे डिफरेंस कितना है फोर परसेंट का राइट right? तो अब आप वाई वुड यू इन्वेस्ट इन इंडिया पीपल विल स्टार्ट टेकिंग आउट द मनी जिसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज होगी एंड पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यू एस इट्सल्फ जहाँ पे उनको अच्छी रिटर्न मिल रही है सेकेंडली सिंस पीपल आर टेकिंग आउट द मनी इट विल पीपल आर डिमांडिंग डॉलर्स जिसकी वजह से रुपी की सप्लाई बढ़ रही है ठीक है जिसकी वजह से आपकी रुपी डेप्रीशिएट करेगी सिंस रुपी इज डेप्रिशिएटिंग आपका यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क भी है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन यूएस दो इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडिया पे फर्स्ट इंक्रीजिंग कैश कैपिटल आउटफ्लो एंड सेकेंड इंक्रीजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ योर रुपी एंड थर्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन यू एस जो आर बी आई है अभी जो अगस्त में मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी पीपल आर इकोनमिस्ट आर अज्यूमिंग दैट इंडिया भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा सो दैट कैपिटल आउटफ्लोज कुड बी मिनिमाइज्ड आई होप आपको समझ आ गया होगा सो दे आर टू क्वेश्चन फॉर यू द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्टैंडर्ड एसिड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सो दे आर फाइव स्टेटमेंट्स यूनिट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सेकेंड इज द क्वेश्चन ऑन यू एस फेड